गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है अंग्रेजी की कक्षा में। आज सातवीं कक्षा का मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। पहला लेसन है, एक कविता है जिसका नाम है सिंपैथी। सिंपैथी का शाब्दिक अर्थ होता है सहानुभूति। ये सहानुभूति क्या है? क्या कभी आपने सड़क पर खड़े किसी गरीब व्यक्ति, किसी भिखारी को, किसी मजबूर व्यक्ति को देखा है? क्या उसको देखकर आपके मन में दया आई है? अगर दया आई है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर उसके प्रति सहानुभूति है, आप समझ रहे हैं उसका दुख दर्द। चलिए, इस लेसन में इसके बारे में क्या कहा गया है इसके बारे में जरा हम देखते हैं। A thirsty old man is sitting beside the road. He says, water, water, water. मतलब ये हुआ बच्चों कि a thirsty old man, thirsty का मतलब होता है प्यासा। एक प्यासा बूढ़ा व्यक्ति is sitting beside the road, सड़क के किनारे बैठा था। He says, वाटर वाटर वाटर, वह कह रहा था पानी पानी पानी, यानी उसे प्यास लगी थी, वह पानी मांग रहा था। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स, सूरज और रवि दो दोस्त थे। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई, उन्होंने बूढ़े व्यक्ति का कराहना, का चिल्लाना सुना। सूरज इग्नोर्स इट, सूरज ने इग्नोर कर दिया उसे। इग्नोर का मतलब होता है बच्चों नजरअंदाज करना, यानी किसी भी चीज को देखकर भी अनदेखा करना, इसे हम इग्नोर कहते हैं। सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन, सूरज ने देखकर भी नजरअंदाज कर दिया लेकिन रवि रुका, बूढ़े व्यक्ति के नजदीक रुका। ही टेक्स आउट हिज वाटर बॉटल, उसने अपनी पानी की बोतल निकाली। He gives the bottle to the thirsty man, उसने प्यासे व्यक्ति को पानी दिया, बोतल दिया। The man takes the bottle and drink water, उस आदमी ने बोतल को लिया और पानी पिया। He thanks रवि, उसने रवि का धन्यवाद किया। ये कहानी का एक प्रारंभिक स्वरूप है। इसमें नीचे तीन क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, इस पे हम जरा चर्चा करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन, रवि प्यासे व्यक्ति के नजदीक क्यों रुका? बच्चों आपको क्या लगता है, रवि प्यासे व्यक्ति के नजदीक क्यों रुका होगा? क्यों नहीं उसका जो मित्र है सूरज, वो प्यासे व्यक्ति के नजदीक रुका? वो तो इग्नोर करके चला गया था, लेकिन रवि उसके पास रुका। Why? Because he knows that what is thirst, वो जानता था कि प्यास क्या होती है। And how a man, a thirsty man, does feel when he quench his thirst, और ये भी जानता था कि जब एक प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझा लेता है तो उसको कैसा अनुभव होता है, उसके दुख को वो समझता था। एंड द यू कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन बिकॉज ही हैज अ सिंपैथी अगेंस्ट द ओल्ड मैन, उसके अंदर बूढ़े व्यक्ति के प्रति सहानुभूति थी। और ये सहानुभूति तभी हो सकती है बच्चों जबकि हम दूसरों का दुख दर्द समझ सकते हैं, हम भी उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। रवि उसकी स्थिति को समझता था कि प्यास क्या होती है, प्यास कैसे बुझाई जा सकती है, प्यास जब बुझ जाती है तो कितना आनंद मिलता है, कितना संतोष मिलता है, वो जानता था। इसलिए उसके प्रति वो सहानुभूति रखता था और इसलिए रवि रुका। तो हम कह सकते हैं कि रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन बिकॉज ही हैज द सिंपैथी अगेंस्ट द ओल्ड मैन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द मैन थैंक रवि,
बूढ़े व्यक्ति ने रवि का धन्यवाद क्यों किया? कोई भी धन्यवाद कब करता है? जब हम उसकी मदद करते हैं, तब वो हमें धन्यवाद करता है। ये उसकी शिष्टता का पहचान होता है। आपका भी कोई अगर मदद करे तो आप उसे धन्यवाद जरूर करिएगा। रवि ने बूढ़े व्यक्ति का हेल्प किया था, उसकी प्यास बुझाने के लिए उसने पानी दिया था, इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने उसका धन्यवाद किया। तो हम कह सकते हैं कि द मैन थैंक्स रवि बिकॉज रवि हेल्प हिम बाय गिविंग हिम वाटर टू क्वेंच हिज थर्स्ट, क्योंकि रवि ने उसको पानी दिया था उसकी प्यास बुझाने के लिए। प्यास बुझाना, क्वेंच, क्वेंच कहते हैं बुझाने को, प्यास बुझाने को क्वेंच द थर्स्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ? ग्रीफ का मतलब होता है बेटा दुख। क्या डू यू एवर फील सॉरी फॉर अ पर्सन इन ग्रीफ? क्या तुमने कभी किसी व्यक्ति जो दुखी व्यक्ति है उसके प्रति कभी दुख, कुछ ग्लानि महसूस की है? इसका उत्तर मैं आप पर छोड़ता हूं। जरा सोचिएगा, विचारिएगा और अपने साथियों से इसकी चर्चा कीजिएगा। क्या आपने कभी एक दुखी व्यक्ति के दुख में आप शामिल हुए हैं? क्या उसके दुख से आप दुखी हुए हैं? क्वेश्चन यही है। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जिसका जो कविता है संपैथी, और इसको इसके राइटर हैं चार्ल्स मैकाय। आई ले इन शोरो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड हिज लुक्स वेर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड माई सोरो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। शुरू से आते हैं। आई ले इन सोरो मतलब मैं दुख में पड़ा था, ले ले माने पड़ जाना, उस स्थिति में रहना। आई ले इन सोरो मैं कष्ट में पड़ा था, डीप डिस्ट्रेस्ड और बहुत दुखी था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड मेरे व्यथा को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेर कोल्ड वह बहुत अच्छा दिख रहा था। ही गेव मी गोल्ड उसने मुझे सोना दिया, वो अमीर था उसने मुझे सोना दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड लेकिन एक भी वर्ड सहानुभूति का नहीं बोला, एक भी वर्ड उसने एक भी शब्द दया नहीं थोड़ी भी दिखाई। माई सोरो पास्ट मेरा दुख दूर हो गया, निकल गया, गुजर गया। आई पेड हिम बैक मैंने उसको वापस कर दिया। क्या वापस किया? द गोल्ड ही गेव टू मी जो उसने सोना मुझे दिया था मैंने उसको वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पीक माई थैंक्स और तब मैं तन कर खड़ा हो गया। तन कर खड़े होने से मतलब है मैं सम्मान पूर्वक खड़ा हुआ उसके सामने और मैंने उसको थैंक्स कहा। सम्मान पूर्वक इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्टूड इरेक्ट यानी सम्मान पूर्वक खड़ा होना, क्योंकि मैंने उसकी दी हुई चीज उसको वापस कर दी है। मेरे ऊपर अब उसका कोई उधार नहीं रहा तो मैं अपने आप में एक आत्मसम्मान फील करता हूं, इसलिए यहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी और उसके द्वारा दिए गए दान को, चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान देना। तो जो उसने दान दिया था, गोल्ड जो दान में दिया था उसे मैंने ब्लेस्ड किया यानी आशीर्वाद दिया। जब भी कोई देता है, किसी की मदद करता है तो उसको थैंक्स बोलता है या आशीर्वाद देता है। आप भी किसी बड़े के पैर छूते हैं तो वो भी आपको आशीर्वाद देता है, खुश रहो बेटा, बहुत बड़े हो जाओ, हमेशा खुश रहो, ये आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स। आई ले इन वॉन्ट इन ग्रीफ एंड पेन मैं जरूरतमंद था। आई ले इन वॉन्ट मैं जरूरतमंद था, इन ग्रीफ एंड पेन दुखी था और कष्ट में था। अ पुअर मैन पास्ट माई वे, दूसरी स्थिति देखिए बेटा। पहली स्थिति में एक
अमीर व्यक्ति आया, उसने उसके दुख के बारे में सुना, उसको गोल्ड दिया, सोना दिया, यानी आर्थिक रूप से उसकी मदद की, लेकिन सहानुभूति नहीं दिखाई, उसकी और तरीके से हेल्प नहीं की। दूसरी स्थिति में एक पुअर मैन पास माय वे, एक गरीब व्यक्ति वहां से गुजरा, मेरे रास्ते से गुजरा, ही बॉन्ड माय हेड, ही गेव मी ब्रेड, उसने मेरे सर को सहलाया और मुझे खाने के लिए ब्रेड दिया, रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने मुझे मेरी दिन रात सेवा की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसको उसके द्वारा दिए गए चीज को कैसे वापस कर सकता हूं? उसने जो मदद की थी उसकी दिन रात, उसने जो उसको स्नेह दिया था, सहानुभूति दर्शाई थी उसके प्रति, हम इसको कैसे वापस कर सकते हैं? आर्थिक रूप से मदद को तो हम वापस कर सकते हैं, लेकिन दिन रात जो उसने उसकी सेवा की, उसको वो कैसे वापस कर सकता है? ये वापस करने वाली कोई चीज नहीं है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, मैं उसे कैसे वापस कर सकता हूं वो सारी चीजें जो उसने मेरे लिए किया? ओह, गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। लेखक कह रहे हैं कि ओह गोल्ड इज ग्रेट, सोना बहुत महान है, क्योंकि अगर धन है हमारे पास तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़कर है सुखद सहानुभूति। अगर हम किसी की आर्थिक मदद करते हैं, अच्छी बात है, आर्थिक मदद हमने की, लेकिन आर्थिक मदद के साथ साथ हमें उसकी उसके दुख दर्द को समझना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हम सेवा करेंगे उसकी, वो कभी हमें वापस नहीं लौटा पाएगा, ये वापस लौटाने वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर केवल हम उसको आर्थिक रूप से मदद करते हैं तो वो वापस लौटाने वाली चीज है। उसका आर्थिक रूप से सहायता करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसकी देखभाल करना। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा इस कहानी का अर्थ क्या है। आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे इस कहानी के इस पोयम में जो हार्ड वर्ड्स आए हुए हैं उसका अर्थ लिखा हुआ है और मैंने आपको अर्थ भी बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस पे आएंगे। आशा करते हैं कि ये कविता आपको अच्छी लगी होगी, इसके भाव अच्छे लगे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अपने व्यवहार में भी शामिल करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।